बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी की, जिन्होंने बीड़ा उठाया था तकरीबन रक्तदान शिविर के दौरान 5000 ब्लड बैग जमा करने का, जिसे पूरा करने के बाद अब उत्तर मुंबई इलाके में उन्होंने 5000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। बोरीवली में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान गोपाल शेट्टी ने कहा कि मुंबई में साइक्लोन के चलते हजारों की संख्या में वृक्ष उखड़ गए, जून महीना समाप्त हो गया, लेकिन बीएमसी के पास वृक्ष लगाने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। दूसरी तरफ गोपाल शेट्टी ने मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई की मेयर ने अब तक कहीं भी वृक्ष नहीं लगाया और ना ही किसी नगर सेवक ने बीएमसी के पास वृक्ष ना होने की सूरत में अपनी आवाज बुलंद की। इसलिए गोपाल शेट्टी ने सार्वजनिक तरीके से संकल्प लिया है कि वे 5000 से ज्यादा वृक्ष उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलग अलग इलाकों में लगाएंगे, यहां तक कि यदि उन्हें कोई अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करता है तो वहां पर भी वे वृक्ष लगाने अवश्य जाएंगे। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये पर तंज कसते हुए कहा कि यदि कोई नगर सेवक या जनप्रतिनिधि वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करता है और उन्हें आमंत्रित करता है तो वे बुलाने पर भी नहीं जाएंगे। 5000 बोतल रक्तदान का घोषणा करने के बाद में कोरोना के समय में पब्लिक ने इतना सपोर्ट दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम 5900 तक पहुंच गए और अभी हमने इस कार्यक्रम को थोड़ा स्लो डाउन किया क्योंकि लोकमत ने 10000 का डिक्लेयर किया, तो अभी हम उनको आने वाले दिनों में सपोर्ट करने वाले हैं। उसी तरह से मैंने उत्तर मुंबई में 5000 वृक्ष लगाने का संकल्प किया है, बांटने का नहीं, ये तो हमने बांट दिया और सुसाइड के लोग लगाएंगे। हमने वृक्षारोपण का ऐलान किया था लेकिन हमारे नगर सेवक कहते हैं कि मुंबई महानगर पालिका में वृक्ष नहीं है। अभी वृक्ष अगर आपको देना है लगाना है तो बहुत व्यवस्था होती है, एक वो इसका लाखों रुपया खर्चा नहीं है, हाँ 5-25 रुपये में वृक्ष मिलता होगा, तो एक नगर से वो 2000 रुपया भी खर्चा करेगा तो कितना पेड़ लगा सकता है। लेकिन मन में इच्छा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, जून महीना पूरा हो गया अभी भी मुंबई महानगर पालिका कार्यक्रम का आयोजन नहीं करे, जो एशिया का सबसे बड़ी महानगर पालिका है, इतने बड़े पैमाने पर टैक्स आता है, एक राज्य के पास जितना सालाना कलेक्शन नहीं होता है उससे ज़्यादा मुंबई महानगर पालिका का रेवेन्यू कलेक्शन है, उसके बावजूद भी इनके पास पेड़ लाने के लिए पैसे नहीं है और पेड़ लगाने की मन में इच्छा नहीं है। लेकिन हमने जो संकल्प किया है, हमने कहा कि मैं आने वाले दिनों में सोसाइटियों में भी जाकर पेड़ लगाऊंगा। एनजीओस को आज मैंने यहाँ पर अपील किया और मेरे अपील को प्रतिसाद देते हुए अभी लगा मुझे पता चला पत्रकार के लोग भी सब लोग एक दिन मिलकर एक कार्यक्रम करेंगे, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज स्वामी विवेकानंद जी की